अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी सब खैरियत से होंगे और वेलकम है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि NCB बैंक में अगर आपका अकाउंट है और यूजर और पासवर्ड आप भूल गए हैं, गुम हो गया है, आपको याद नहीं है, तो ये वीडियो देख के आप बहुत ही आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। तो NCB का एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट करना होगा कि पासवर्ड आपको रीसेट करना है या यूजर रीसेट करना है। तो सबसे पहले आप यूजर रीसेट कीजिए, फिर यूजर मिल जाएगा तो फिर पासवर्ड आप ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, डेबिट कार्ड डिटेल्स से आप ले सकते हैं। डेबिट कार्ड डिटेल्स आप देने के बाद आपके नंबर पर OTP आएगा। OTP आने के बाद OTP आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपके मोबाइल पर आपका यूजर सेंड कर देगा। देखिए, योर यूज़र हैज़ बीन सक्सेसफुल, मतलब आपके उस पर भेज दिया मोबाइल पे, वहाँ से आप यूजर ले सकते हैं। अब आप दोबारा फिर से पासवर्ड फॉरगेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर भी आपको पूरा डिटेल्स, कार्ड का नंबर डालना होगा। कार्ड का नंबर डालने के बाद फिर से आपका नया पासवर्ड चुनने के लिए बताएगा, लेकिन नया पासवर्ड देखिए 6 नंबर नहीं तो 8 नंबर होना चाहिए, जैसे कोई नाम हो और फिर कोई नंबर भी हो, तो आपका बहुत ही आसानी से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाता है। तो वो सेलेक्ट करने के बाद फिर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके मोबाइल पे एक OTP डालेगा, भेजेगा। वो OTP आप यहाँ पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद तो फिर दूसरा स्टेप देखिए आ रहा है, वो नंबर हम इंटर करेंगे, उसके बाद सक्सेसफुल हो जाएगा। देख लीजिए, योर पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुल चेंजेड। तो हमारा पासवर्ड जो है बहुत ही आसानी से यूजर भी ले लिए और पासवर्ड भी ले लिए। तो हम अब वही जो यूजर और पासवर्ड अभी बनाए हैं उसी को इंटर करने के बाद हम लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, लॉगिन होता है कि नहीं होता है देखिए, हमारा लॉगिन हो गया। ठीक है, थोड़ा सर्च हो रहा है, लेकिन उसके बाद देख लीजिए। अब यहाँ पर बता रहा है कि हमारे मोबाइल में जो फिंगर है, फिंगर लॉक है, फिंगर लॉक को एक्टिव नहीं किए हैं, तो वो भी हम साथ में कर लेते हैं, फिंगर लॉक भी। उसके बाद हमारे मोबाइल पर एक OTP डाला। OTP डालने के बाद फिर सक्सेसफुल हो गया। तो देखिए, हम अपने अकाउंट में लॉगिन हो गए बहुत ही आसानी से। ठीक है, फिर भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।